आईजीएन इंडिया का, मैं अभी ओपन नहीं कह रहा हूँ, आईजीएन इंडिया का यूट्यूब में वो लोग काम नहीं कर रहा है। मैंने बात भी किया था कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो यहाँ पे, तो ऐसा कोई लोगों को हायर करो। तो बोला कि 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने कहा कि है ना मेरे पास 5 साल 6 साल का, नहीं यूट्यूब वाली नहीं। अच्छा, बिकॉज अनरियल की जो ऑनलाइन कम्युनिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो है स्ट्रॉन्ग पर यूनिटी जितनी नहीं है। यूनिटी में आप कहीं पर भी अटको, आपके जैसे 10 लोग पहले अटक चुके हैं वहां पर। होमा गेम्स, गिजमार्ट, क्रेजी लैब्स, टेंशन, मिनी क्लिप, अपने मिनी क्लिप के साथ भी शायद काम किया है, सुपर सोनिक जैसे डेवलपर के साथ काम किया है। तो इस बारे में बताइए कि कैसे आप इनके साथ जुड़े। जब वो एक मतलब टैग आ जाता है कि आपने एक पब्लिशर के साथ काम करा है और आपका गेम रिलीज हुआ है और अराउंड 1 मिलियन प्लेयर्स थे उन गेम्स के ऊपर, तो फिर इट वॉज इजी टू गेट मोर डील्स लाइक दिस। काई हार्वेस्ट का डेमो आ गया है स्टीम में, तो एक आप क्या ये अकेले कर रहे हो फिलहाल ये डेवलपिंग का पूरा काम? आपने गेम खेला होगा शायद एनिमल क्रॉसिंग, उसके स्विच का गेम है काफी वो, मतलब तब नहीं खेला होगा क्योंकि स्विच नहीं है भाई, उतनी औकात ही नहीं है कि स्विच रख सकूं। कम्युनिटी वो गेम को प्रेफर करेगा, जो हिंदू है वो भी इस गेम को प्रेफर करेगा, मतलब थोड़ा सा ये लो की बात है, लोग करते नहीं ओपनली, तो मैं जस्ट रखा आपके सामने। मैंने पढ़ा था पहला 1000 वाले ही मुश्किल होता है माइलस्टोन, उसके बाद आप रेगुलरली करते रहते हो। फालतू बात है, एकदम फालतू बात है, आपका हर सब्सक्राइबर बहुत मुश्किल से मिलता है। मेरे को देखो, मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, और क्या बनाऊ मैं कंटेंट के लिए, 4-5 गेम मंथली बना लेते हो, नया कॉन्सेप्ट से लेके कस्टमर तक कैसे होते। लोग कहते हैं कि YouTube से अगर आप सीखोगे तो बड़ा ही देर लगेगा, प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, क्योंकि अगर कहीं पे कोर्स करोगे तो ऐसे में 2-way कम्युनिकेशन होगा, YouTube में चीजें 1-way होता है। क्या आपको ऐसा लगा कुछ YouTube से सीखते वक्त? तो आपने PS2 लिया जहाँ पे गेम मिलते थे, बाकायदा PS3 ले सकते थे क्योंकि PS3 में पायरेटेड वर्जन नहीं मिलता था। तो पायरेसी को आप सपोर्ट करते हुए इस गेम जर्नी को शुरू किए हो, तो मैं आपकी जो बात सुनना चाहता हूँ, अभी जाके आपकी गेम को अगर कोई पायरेट करके खेल ले तो कैसा लगेगा? Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another new episode of Game Doubt Gossip। और आज हमारे साथ जुड़ गया है फिर से एक डेवलपर जिनका नाम है हमजा किरमानी। तो किरमानी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम डाउट गॉसिप पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, काफी वीडियो देखे आपके, बस लग नहीं रहा कि मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खासकर कि बहुत मतलब अच्छा लग रहा है आपसे, कई दिनों से बातचीत चल रही थी, हालांकि आपसे पहले ही कर लेना चाहिए था लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो गया, तो इसके लिए सॉरी। लेट्स डू इट। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ, पर्टिकुलरली बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। ओके, एंड मैंने यहीं से स्कूलिंग करी, यहीं से ही कॉलेज करा था। कॉलेज मैंने बीटेक करा था इन कंप्यूटर साइंस एंड आई पास आउट इन 2017। ओके, और पर मैं गेम बना रहा हूँ 2014 से, तो अब 10 साल के करीब, यस सेकंड ईयर से मैं गेम बना रहा हूँ, तो अब 10 साल हो जाएंगे, डिकेड होने जा रहा है। केक भी कटेगा कि नहीं कटेगा? बटेगा तो कटेगा भी और बटेगा भी। श्योर, आप दिल्ली में तो जरूर आइएगा। अरे मैं दिल्ली पे तो अभी मतलब आने का तो बहुत इच्छा है, लेजी भी वहां पे रहता है, बट द थिंग इज कि मतलब मेरा मतलब अभी पैसा नहीं है, सच बात बताऊं। चैनल मोनेटाइज हो जाए धीरे धीरे जरूर मतलब जगह जाएंगे, पर IGDC में जरूर आने की कोशिश करेंगे जो कि नवंबर पे है। आर यू कमिंग ऑन IGDC? यस डेफिनेटली। श्योर। मैंने थोड़ा अकोमोडेशन का तो बंदोबस्त कर लिया, अभी टिकट विकेट का हो जाए तो सही है। Sure. आपकी वैसे बॉल देख के लग नहीं रहा कि पैसों की दिक्कत होगी, लग तो नहीं पैसे की दिक्कत नहीं। आगे अभी अगर खुद की पैसे की बात करूं तो जॉब छोड़ने के बाद तो किल्लत तो है, पर हाँ अगर वैसे देखा जाए तो वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, वैसे भी मेरी बहन हैदराबाद पे रहती है, तो लाइक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू गो देयर। या तो टॉकिंग अबाउट योर लाइफ, पहले तो ये बताओ कि आपका जो शुरुआत हुई गेम के साथ वो कब हुआ और कौन सा वो दौर था? तो पहले तो मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो वेब डेवलपर हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाओ, इसमें काफी अच्छा स्कोप है, भी स्कोप है, बहुत अच्छा है। मैं उसी में कोशिश करी मैंने, पर वो थोड़ा इंटरेस्ट मुझे इतना आ नहीं पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि एंड्रॉइड और iOS के ऐप डेवलपमेंट में जाओ, तो मैंने कहा चलो सही है। 2013 की बात है ये, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए इस बात को भी,
मैंने उसमें भी ट्राई करा, पर थोड़ा मतलब बनाई मैंने थोड़ी बहुत एप्स बनाई, कैलकुलेटर वगैरह बेसिक जो एप्स होती हैं वो बनाई। अच्छा। लेकिन पर वो ये जब वो रन हो रही तो एक ना वो फील नहीं आ पा रही थी चलाने के बाद। पर फिर एकदम से उन्हीं दिनों गेम्स ये वाले काफी ट्रेंडी थे, टेम्पल रन और एंग्री बर्ड्स टाइप ऑफ गेम्स। तो आई डोंट नो बट गूगल सजेस्टेड कि दीज आर द गेम्स मेकिंग टॉप रेवेन्यू दीज डेज। तो मैंने कहा भाई कितना रेवेन्यू बना रहे होंगे अंदाजा, मैंने चेक करा तो एंग्री बर्ड का रेवेन्यू लिखा है $1 बिलियन, 10 लाख डॉलर। तो मैंने कहा भाई तो काफी हो गया। फिर उससे आगे लिखा हुआ पर डे, मैंने कहा पर डे बना रहे इतना, ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है भाई। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब इस तरफ आया। मैं गेम तो मैं बचपन से खेल रहा हूँ, व्हेन आई वाज 4 इयर्स ओल्ड तो माय फादर ब्रॉट द निंटेंडो, तो उसके बाद मारियो कॉन्ट्रा ये सारे गेम खेलते थे। यू मस्ट बी अ वेल टू डू फैमिली यार, मतलब पहले ही कंसोल निंटेंडो। अरे वो तो सस्ता था आता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी वो तो सस्ते से आते थे, उसकी कैसेट आती थी वो भी सस्ती आती थी, तो जो कैसेट हाँ। वाले होते थे। तो खैर उसके बाद प्लेस्टेशन वगैरह भी रोना पीटना करके मैंने घर वालों से लिया। फिर खैर गेम का तो बचपन से शौक। कौन सा प्लेस्टेशन लिया? सेकंड। ओके प्लेस्टेशन 2 भी काफी ओपी टाइप का कंसोल था अगर देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज तक सही है वो, उसको कुछ नहीं हुआ उसे अभी तक, बिल्कुल सही। क्या बात कर, उसको एज अ रेट्रो कंसोल मतलब सजा कर रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2008 में लिया, 16 साल हो गए, बिल्कुल सही है वो। आपने 2008 में लिया, तब तक PS3 निकल चुका था? यस यस। तब आपको किफायती तौर पे मिला होगा मतलब उतना भी कुछ? हाँ यस यस। तो बट द थिंग वाज कि PS3 में क्रैक वाली आती नहीं थी। ओके। और इतना अब वो था नहीं कि घर वालों से मैं 4-5 हजार रुपए लू एक गेम, तो वो 40-50 रुपए में हिसाब हो रहा था, तो उनका मैं PS2 इसलिए मैंने प्रेफर करा। बाकी फिर उसके बाद कंप्यूटर गेमिंग ही मैंने कंटिन्यू करी, लेकिन मतलब गेमिंग से काफी जुड़ा ही रहता था, तो इसीलिए जब मेरे दिमाग में आया यार गेम्स भी बनाए जा सकते हैं, तो एकदम से थोड़ी वैसी फीलिंग आई। तो मेरा फ्रेंड है घर के पास ही रहता है, उसने कहा कि भाई यूनिटी ट्राई कर, यूनिटी में यार अच्छे गेम्स बनते हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ। भाई कौन से गेम बने, तो सर्च करा, इत्तेफाक से सबसे पहला गेम आया टेम्पल रन, दूसरा आया एंग्री बर्ड। मैंने कहा ओ ये दोनों गेम इसी वो पुरानी इमोशन हाँ। जग गया फिर से वही क्या। तो फिर मैं बस वही है, उस दिन जो मैंने इंस्टॉल करा 2014 अगस्त में 16 तारीख को, मुझे दिन भी याद, डेट भी याद है, तो आज तक मैं बस उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाया, यूनिटी पर ही लगा हूं मैं तब से। ओके, तो ये वाली गेम आपने वैसे जो स्काई हार्वेस्ट है इसकी शुरुआत आपने कब की फिर? स्काई हार्वेस्ट को 1 साल हो गया, 1 मई को, 1 मई 2023 से यस उसको मैं बना रहा हूँ, बट मैं इससे पहले मोबाइल के ही गेम बनाता था मोस्टली। हाँ मैं आऊंगा उस चीज पे, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि एज अ गेम डेवलपर, ये तो आपका एक पैशन ही था कि गेम डेवलप करूं, ये पैशन के चलते क्या कुछ एकेडमिक अपने परस्यू की अलग से कि इसके बारे में कुछ सीखा जाए? ये मैं बीटेक कर रहा था, बीटेक के दौरान ही सेकेंड ईयर में ये वाला कीड़ा आया गेम डेवलपमेंट का, तो हाँ। तो मैंने बस यूट्यूब से ही सारा जो ब्रैकीज है, साइकू है और सेबेस्टियन लीग है और कोड मंकी, इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, तो वो सारे फ्री में सब कुछ आपको सिखा देंगे। अच्छा सब कुछ बिल्कुल सही है, सही है, मैं टैग भी कर दूंगा, शायद लोगों को भी और मौका मिल जाए। लोग कहते हैं कि यूट्यूब से अगर आप सीखोगे तो बड़ा ही देर लगेगा, प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, क्योंकि अगर कहीं पे कोर्स करोगे तो ऐसे में 2-way कम्युनिकेशन होगा, यूट्यूब में चीजें 1-way होता है। क्या आपको ऐसा लगा कुछ यूट्यूब से सीखते वक्त? मुझे ये ऐसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि मतलब आई वॉज लकी इनफ कि मैंने यूनिटी को चूज करा, अगर अनरियल को चूज करता तो हो सकती थी ये वाली दिक्कत, बिकॉज अनरियल की जो ऑनलाइन कम्युनिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो है स्ट्रांग पर यूनिटी जितनी नहीं है। यूनिटी में आप कहीं पर भी अटको, आपके जैसे 10 लोग पहले ही अटक चुके हैं वहां पर, और वो आपकी मदद पहले ही कर देंगे, फौरन के फौरन आपको कहीं भी अटको आपको जवाब मिल जाएगा। तो यूनिटी में मुझे आज तक ये वाली दिक्कत नहीं, पर अब तो चैट जीपीटी जैसी चीजें आ गई, तो अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई दिक्कत आए आपको गेम बनाने का। तो यूनिटी में आप कह सकते हो कि ट्रबल शूटिंग बहुत ही फास्ट एंड फास्ट होता है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, उसके एसेट्स वगैरह सब बहुत अच्छे मिलते हैं यूनिटी के, जो आपको मदद करेंगे गेम बनाने में।
तो वी विल कम बैक टू स्काई हार्वेस्ट, बट बिफोर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने और भी कई सारे गेम शायद बनाए हुए, कई सारे कंपनी के साथ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यू बीन टू लायन स्टूडियोज, यू बीन टू वुडू, होमा गेम्स, गिजमार्ट, क्रेजी लैब्स, टेंशन, मिनी क्लिप, आपने मिनी क्लिप के साथ भी शायद काम किया है, सुपर सोनिक जैसे डेवलपर के साथ काम किया है, तो इस बारे में बताइए कि कैसे आप इनके साथ जुड़े। ये द थिंग वाज कि मैंने शुरू में जब छोटे छोटे गेम्स बनाता था तो उसमें से मैं ऑनलाइन उनके वीडियोस वगैरह पोस्ट कर देता था यूट्यूब पर या इधर उधर जो भी मुझे जगह मिलती थी, सही का फोरम वहां पे मैं डालता था। तो आई वाज लकी इनफ कि मिनी क्लिप के एक सीनियर गेम प्रोड्यूसर थे, उनकी नजर पड़ गई उस गेम पर। एक गेम था मेरा बेसिक सा था, तो उस गेम के ऊपर नजर पड़ी, मैं आपको फुटेज शेयर कर दूंगा उसकी। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे ईमेल करा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि हम ये गेम आपका रिलीज करना चाह रहे। मैंने कहा अच्छा भाई। तो फिर उसके बाद इट वाज ट्विस्टी, ट्विस्टी रोड नाम था गेम का। ओके। तो उन्होंने कहा कि हम रिलीज करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, इसके अराउंड 50,000 to 100,000 डेली प्लेयर्स थे उनकी वेबसाइट पर। तो मैंने कहा ओके भाई कर दो। तो एट दैट टाइम दे पेड वन टाइम फी फॉर द गेम, एंड उसकी मदद से मैं पहला अपना बढ़िया गेमिंग पीसी लेके आया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास और गेम्स हो तो और दीजिए। तो इस तरह मेरे टोटल 4 गेम्स मिनी क्लिप के ऊपर रिलीज हुए। तो उसके बाद जब वो एक मतलब टैग आ जाता है कि आपने एक पब्लिशर के साथ काम करा है और आपका गेम रिलीज हुआ है और अराउंड 1 million प्लेयर्स थे उन गेम्स के ऊपर, तो फिर इट वॉज ईजी टू गेट मोर डील्स लाइक दिस। तो उसके बाद फिर मुझे ये सारे पब्लिशर्स भी मिलते चले गए मोबाइल के। तो मिनी क्लिप को जो मैंने लेकिन 4 गेम दिए थे वो वेब पोर्टल के थे, लेकिन उसके बाद भी बाकी सारे पब्लिशर्स मिले वो मोबाइल के थे। ये वाली गेम अभी भी कहीं अवेलेबल है? या आई गेस होनी तो चाहिए उनकी वेबसाइट पर। ये बात काफी पुरानी 2017 की बात है, 2017 की। तो अब अगर उन्होंने हटा दिया हो तो आई डोंट नो। नहीं, आप चेक कीजिएगा, ऑब्वियसली वो आपका काम है। मतलब एनीवेज, तो मैं बात करना चाहूंगा कि लाइक 2014 से तो आपका ये जर्नी शुरू हो गया, अब तो केक भी कटने का टाइम हो गया है 10 साल का। तो स्काई हार्वेस्ट का डेमो आ गया है स्टीम में, तो एक आप क्या ये अकेले कर रहे हो फिलहाल ये डेवलपिंग का पूरा काम? वन मैन आर्मी अकेले कर रहा हूं। यस यस यस, सोलो डेवलपमेंट। तो आपका तो प्रोग्रामिंग करना पड़ता है खुद से, डिजाइन करना पड़ता है खुद से, साउंड फाउंड ये सब, साउंड भी आप मैनेज करते हो सब कुछ? बिल्कुल कर करके मैं ऐसे ऐसे कुछ चलने की उछलने की साउंड्स थोड़ी बहुत क्रिएट कर लेता हूँ, और बाकी यूनिटी का जो एसेट स्टोर है उससे मुझे काफी मदद मिलती है एनवायरनमेंट वगैरह के लिए। लेकिन जो गेम की पूरी प्रोग्रामिंग है और जो पूरा लॉजिक है उसका, उसका डिजाइन है, पूरा गेम की स्टोरी हो गई, गेम के डायलॉग्स हो गए, गेम के कैरेक्टर्स हो गए, मतलब सारी चीजें हो गई, बाकी वो सब मैं अपने आप ही कर रहा हूँ। इज देयर एनी वॉइस ओवर इन द गेम? मैंने सोचा तो था वॉइस ओवर डालूं, बट लेकिन आपने एक गेम खेला होगा शायद एनिमल क्रॉसिंग, उसके उसके हाँ स्विच का गेम है काफी वो, मतलब तब नहीं खेला के बाद, क्योंकि स्विच नहीं है भाई, उतनी औकात ही नहीं है कि स्विच रख सकूं। तो वो एनिमल क्रॉसिंग में उनके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इतनी बढ़िया चीज करी है पैसे बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए कहूंगा भाई मैं। तो उसमें जो भी वॉइस आती है, फॉर एग्जाम्पल डायलॉग है कि लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी, तो उसमें करके मंबल साउंड्स है हर अल्फाबेट के साथ, तो मैंने वही मंबल साउंड्स इसके अंदर भी स्काई हार्वेस्ट के अंदर लगाई, तो सुनने में काफी क्यूट भी लगती है, फनी भी लगती है और वॉइस ओवर के पैसे भी बचाती है। पैलेस ऑन द हिल गेम एक खेला था मैंने, उस पे भी ऐसा ही कुछ था, गाय भैंस की साउंड हुआ करता था, तो लाइक आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। बिल्कुल। तो अभी बूटस्ट्रैप आपने किया ये गेम यूनिटी में, और कितने साल से इस गेम के साथ जुड़े हो आप? ऐसे अब इसको 1 साल हो गया, पूरा 1 साल। 1 साल पहले ये काइंड ऑफ आपके लिए कॉन्सेप्ट था, राइट? बस। तो इसको मैंने खाली कॉपी पर, कॉपी पेन ही था बस। ये ड्राइंग आती है आपको? नहीं, बहुत बुरी ड्राइंग है। डिजिटली भी नहीं, बहुत बुरी है। तो मतलब ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो कि गेम बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए क्या उनको ड्राइंग वगैरह आनी जरूरी है? आर्ट गेम आर्ट के लिए आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट को तो जी बिल्कुल डेफिनेटली जरूर आनी चाहिए, लेकिन एज अ प्रोग्रामर तो मुझे तो एज सच अभी तक तो जरूरत पड़ी नहीं।
दूसरे जो आर्ट अवेलेबल होता है ऑनलाइन इंटरनेट से वो ही मैं यूज कर लेता हूँ फिलहाल तो, बाकी लेकिन मैं हायर कर लेता हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फ्रीलांसर्स जो होते हैं तो हाँ, उनको जैसे थोड़े छोटे छोटे जॉब्स देती तो उससे भी थोड़ी मदद मिल जाती है। वैसे मतलब कैसा आपका गेम, मैंने अभी देखा खोल के देखा है, जब तक भी मैं कैरेक्टर क्रिएशन तक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी कोजी टाइप वाइब दे रहा है, मेनू से ही दे रहा है वो चीज। अमूमन तौर पे इंडियन गेम्स की अगर बात करूं, गेम शायद आगे जाके अच्छे हो लेकिन मेनू ही कैसा टाइप का होता है कि बंदे का जो पहला इंप्रेशन होता है वो खत्म हो जाता है वहां पे। लेकिन आपके गेम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ब्रोकुला खेला था और ब्रोकुला पे भी ऐसा ही मेनू स्टाइल था, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी एक आर्टिस्ट हायर किया था। तो मैं पूछना चाहूंगा कि कितना जेब ढीला करना पड़ता है ऐसे गेम बनाने के लिए? सच बताऊं तो जीरो। क्या बात, सब कुछ फ्री, सब फ्री में। द थिंग इज इंटरनेट पे मतलब यूनिटी की प्रेजेंस को इतने सैकड़ों साल हो गए हैं लिटरली, कि हर चीज यूनिटी की आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाती है। हर तरह का एनवायरमेंट, पेड़ पत्ते, म्यूजिक, कैरेक्टर्स, मोस्टली 90% काम आपको फ्री में अवेलेबल इंटरनेट पे मिल जाएगा। आपको बस उसको असेंबल करके किस तरह आपको प्रेजेंट करना है, लेकिन ये क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए, कैसी लाइटिंग उसमें होनी चाहिए, कैसा फॉग होना चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए, ये सब आपकी आपके ऊपर है। लेकिन काफी चीजें यूनिटी फ्री में देता है, तो उसमें से एनवायरमेंट पे से जो आपने मेन मेन्यू में देखा उसमें काफी चीजें फ्री में ही अवेलेबल थी। तो आपने तो बीटेक किया, तो मतलब बीटेक कंप्लीट किया आपने या तो फिर बीच में ही? तो मेरा बहुत मन था दूसरे साल ही बस छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे तो पूरा करना पड़ा मुझे। घर वाले, मैंने मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो घर वाले चाहते हैं कि आप पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करो, जो कि सही बात है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बीच में। वैसे सुनने में अच्छा लगता है कि वो मार्क्स का बग इज ड्रॉप आउट, पर नहीं, अभी इन रियलिटी ड्रॉप आउट डजंट मेक एनी सेंस। नहीं, शुरू किया तो खत्म कर दो। तो डिग्री आपको बहुत ज्यादा सिक्योर कर देती है घर से। वैसे ये गेम डेवलपमेंट को लेके कोई लाइक ऐसा बढ़ावा दिया है कभी आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, घर वाले बहुत खुश हैं, बहुत इसको सपोर्ट करते हैं, और बस आकर पूछते हैं कि भाई तू अभी खेल रहा है या बना रहा है, ये बता दे, काम कर रहा है तो कभी खेल रहा है उनको बस, बाकी तो बिल्कुल 100% हमेशा सपोर्ट करा है उन्होंने। तो आपने खेलने की बात की, कौन कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉनर आपको खेलना पसंद है? क्योंकि मैं एज अ व्यूअर जानना चाहता हूँ एक डेवलपर से, क्योंकि ऐसा क्या जरूरी है डेवलपर को हर एक टाइप के जॉनर को एक्सप्लोर करना बिफोर टू मेक आउट पर्टिकुलर गेम? नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है। मुझे पर्टिकुलरली ओपन वर्ल्ड गेम्स पसंद है, GTA टाइप हो गए, लीनियर पसंद है, प्रिंस ऑफ पर्शिया, टूम रेडर इस तरह के हो गए, अनचार्टेड हो गया, इस तरह के लीनियर, और मिशन बेस्ड, सिंगल मिशन जैसे हिटमैन में होते हैं सिंगल मिशन, ऐसे मैन हंट एक बहुत पहले गेम आया था रॉकस्टार का, बड़ा खून खराब है, हर कंट्री में ऑलमोस्ट बैन हो गया था वाला गेम। आप एक बार आपने अगर खेला, मैक्स पेन भी है शायद, यस यस, मैक्स पेन सुपर लीनियर टाइप का। या और इसके अलावा मुझे थोड़े फार्मिंग वाले गेम्स ही पसंद है, जैसे स्काई हार्वेस्ट हो गया हमारा। तो अगर एज अ आप डेवलपर हैं और आपको कोई किसी पर्टिकुलर टाइप का गेम बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हॉरर गेम बनाना है, तो इट इज प्रेफरेबल कि आप पहले बहुत सारे हॉरर गेम्स खेल लो, रेजिडेंट इविल पूरा चाट लो, पूरी सीरीज खेल लो, और कौन कौन से हो गए, लेफ्ट फॉर डेड आई गेस वो भी हॉरर गेम, लेफ्ट फॉर डेड हो गया, हाउस ऑफ डेथ हो गए, बहुत सारे ऐसे गेम है हॉरर, बीस्ट इनसाइड हो गए, बहुत सारे है। एक हमारा बढ़िया कमला भी हो गया, कमला तो भाई डरा दिया भाई पूरा, बिल्कुल बिल्कुल, आप खेले हो कमला? बहुत बढ़िया गेम है, उसका मेन्यू काफी अच्छा लगा, यहाँ पेशाब करना मना है उसमें लिखा हुआ, पेशाब करना मना है। हाँ, मतलब फिर भी मुझे थोड़ा सा उस बात का सेंस नहीं लगा कि मतलब एक गेट के सामने पेशाब क्यों करेगा लोग, मतलब वो भी चीज है, गेट के पीछे करेगा ना, गेट के सामने। यहाँ पे अगर लिखा होता कि स्टिक नो बिल्स तो भी शायद वो वाली बात हजम हो जाती है। एनीवेज, कमला मतलब इस गेम को लेके मेरा बहुत इच्छा था कि ये गेम चले, हालांकि ये गेम चला भी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो गेम चला है, मैं आ रहा हूँ आपके गेम के ऊपर, लेकिन ये वाली पहले बात कर लेते हैं, ये गेम के पीछे जो लॉजिक है लोगों की इमोशन हॉरर मूवीज को लेकर, हॉरर मूवीज तगड़ा नहीं बन रहा है इंडिया पे अभी अगर बात करें, लोगों को बाहर के हॉरर मूवीज जैसे कि देखना पड़ता है, मेरे पास भी ऐसे कई सारे पड़े हुए हैं, वैसे पोस्टर देख के रख देता हूँ, नहीं देखनी है, वैसे देखा हूँ कंजूरिंग वगैरह, मैं भी नहीं देख पाता बिल्कुल। हाँ, और स्पेशली इंडिया पे हॉरर का क्रेज तो है, लोगों को तो पसंद आता है, तो कोजी वाले जो गेम होता है
काउच टाइप ऑफ गेम, आराम से बैठ के एंजॉय करो इसको, कुछ मगजमारी नहीं करनी है, थोड़ा सा घूमो फिरो, एंजॉय एटमोस्फेयर को करो, आर्ट स्टाइल देखो और मजे करो, पॉपकॉर्न खाओ। पर आपका गेम का कोर मेकनिज्म क्या है जिसके चलते आप चाहते हो कि लोग इसको ट्राई करें, ऐसा क्या है? इट इज टारगेटिंग कोजी ऑडियंस ओनली। ओके, स्काई हार्वेस्ट, द मेन कोर मैकेनिक्स वुड बी फार्मिंग एंड फ्लाइंग इन द स्काई, एक्सप्लोरिंग द स्काईज, तो यही इसका मेन है। द थिंग इज, मैंने मतलब पहले जितने भी गेम खेले, ज़ेल्डा हो गया, ये वाले सारे गेम हो गए, इनमें मतलब फ्लाइंग वाला एस्पेक्ट था नहीं ऐसा, तो मेरा थोड़ा मुझे अंदर से रहता था कि ये ऐसा होना चाहिए कि उड़ने का भी हो कुछ, देखें और मतलब उनमें दिखाते थे एनवायरनमेंट में ये सब बड़े सुंदर सुंदर स्काईज और ये सब बादल, लेकिन वो देख ही पाते थे बस, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा इसको अपने गेम में लगा के देखते हैं, स्काई हार्वेस्ट। मतलब जमीन पे बहुत रह चुके, अभी थोड़ा उड़ना है। यस यस, नहीं ठीक है, अच्छा ही है, पर लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके गेम में मैंने देखा है कि वैसे तो कोई डिफिकल्टी तो वैसे है नहीं, आई गेस सो, डिफिकल्टी सेटिंग्स आपने नहीं रखा, सिंपल गेम में कैरेक्टर मेकिंग का चीज आपने पहले डाली हुई है। यहाँ पे मैं कुछ चीजों की तारीफ करना चाहूंगा और कुछ चीजें मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, मैं वो भी बोलूंगा। हालांकि गेम में मैं था नहीं, मैं आपको बोला कि मैं कैरेक्टर क्रिएशन तक ही गया, तो मैं उसी तक बोल पाऊंगा, उसके बाद ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। कैरेक्टर क्रिएशन में मैंने देखा कि बहुत सारे ऑप्शन आपने दी हुई है, दाढ़ी वगैरह है, स्किन टोन शायद नहीं है, अगर होती तो अच्छा होता। थी शायद मैंने मिस आउट कर दी। एक चीज और है कि बाल बाल हो गए, ड्रेसेस वगैरह हो गए। यहाँ पे जैक और जोया ऐसा कुछ है, जैक और जोया, लेकिन जैक और जोया, जब मैं जोया सिलेक्ट किया तो मैं जब देख रहा था कि उसका भी दाढ़ी मूछ में लगा सकता हूँ, इस बात की क्या सेंस है? हटाने का भी ऑप्शन है, लेकिन चाहो तो भाई लगा सकते हो, अजीब वो गरीब जमाना चल रहा है, लड़कियों की भी दाढ़ियां आ रही है। आप अच्छा, आप एक बात बताओ, LGBTQ+ कम्युनिटी को आप कैटर करना चाहोगे? क्योंकि अगर आपकी गेम अभी मतलब ऐसे स्टेज पे है जो कि डेवलपमेंट पे, आप चार चीजें और डाल सकते हो। हाँ, क्योंकि देखो ये मेरे ख्याल से एक बेहतरीन मूव होगा, क्योंकि उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। बहुत सारे गेम से आप देखोगे, हॉगवर्ट लेगेसी वगैरह ये है, लास्ट ऑफ अस ये है, लेकिन ये चीज अगर आप डाल दोगे, एक अलग सा कैरेक्टर, कोई अगर चाहता है तो वो कैरेक्टर को भी लेके खेल सकता है अपने हिसाब से। ये इसमें मैं कोई सी भी, एक्चुअली द थिंग इज कि अगर आपको सारी कम्युनिटीज को टारगेट करना है, कोई सी भी हो, वो तो खैर अलग होगा, कोई सी भी हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका, आप किसी भी कम्युनिटी को टारगेट मत करो, तो वो सब अपने आप ही सबके पास पहुंचता है वो गेम। मतलब अगर आप स्पेसिफिकली अगर सिर्फ लड़कों के लिए गेम बनाना, कोई गोली बारी मार काट ये सब डालते हैं, तो क्योंकि वो स्पेसिफिकली टारगेट मेल ऑडियंस, मतलब लड़कियां भी खेलती हैं लेकिन कम होती है परसेंटेज। अगर लड़कियों का होता है तो थोड़ा वो मेकअप वाले गेम्स होते हैं जो आजकल मोबाइल्स में आते हैं, वो उसको लड़की अलग तरह से वो, तो लेकिन तो इसीलिए आई एम ट्राइंग कि मैं किसी भी सिंगल कम्युनिटी को टारगेट नहीं करूँ, ये गेम विल बी फॉर ऑल द कम्युनिटीज। इसमें ऊपर से ये बच्चे भी आराम से खेल सकते हैं, इसमें कोई वैसा वायलेंस या स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज या कोई सब्सटेंस ये सब चीजें नहीं होंगी। हाँ, तो, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आराम से इसको खेला जा सकता है। इसकी लैंग्वेज गेम की कोई वैसी नहीं होगी कि कोई गलत बात कर रहा है, फाउल लैंग्वेज यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह मैं आई एम ट्राइंग कि ऑल एज ग्रुप्स एंड इट शुड केटर टू ऑल द कम्युनिटीज। ग्रेट, मतलब मैंने क्या कह दिया था कि लाइक थोड़ा सा अलग ऑप्शन रहता तो वो लोगों के ऊपर है जजमेंट लेना कि मैं किसको लेके खेलूंगा। आपको बस ऑप्शन देना है अलग, कि एक अलग ऑप्शन दो, जोया जैक और कुछ भी आप डाल दो। रिलीजियन का अगर बात करूं मैं, अगर रिलीजियन का बात करूं तो रिलीजन में क्रिश्चियन है, हिंदू है और भी कई सारे बुद्धिस्ट वगैरह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेम को रिलीजियनिस्टिक बना दो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम है तो उनका जो टोपी है वो आप डाल सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे चीजें है मतलब अलग अलग से, जो हिंदू है उसके लिए कुछ और, या तो फिर जो क्रिश्चियन है वो एक कोट पहनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी मतलब किसी की तरफदारी करो, पर कोई भी गेम पे, जितना कि मेरा थॉट प्रोसेस है,
मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि ये एंगल किस कहीं पे भी कल्टीवेट की गई है. इट इज नॉट, इट इज वेरी रिस्क फ्री, क्योंकि आप यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे मतलब सारे धर्मों को लेकर मतलब रखोगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर भी देखो रिलीजियनिस्टिक मत करो गेम को, बट ये ऑप्शन रखो क्योंकि आपने वहां पे ऑप्शन दिया है. देखो दाढ़ी मूछ का ऑप्शन, ड्रेसेस का ऑप्शन, जूते वगैरह का ऑप्शन सैकड़ों गेम में है, जहां पे भी कैरेक्टर क्रिएशन है. क्लासेस वगैरह का ऑप्शन भी है बल्डर्स गेट गेम में. तो ये वाली एंगल लेकिन कहीं पे भी मैंने अभी तक नहीं देखा. आपका छोटा गेम है, एक्सक्लूसिव फैक्टर भी होगा, जितने भी सारे कम्युनिटीज है, बड़े सारे कम्युनिटीज है, कम्युनिटी वो गेम को प्रेफर करेगा. जो हिंदू है वो भी इस गेम को प्रेफर करेगा. मतलब थोड़ा सा ये लो की बात है, लोग करते नहीं ओपनली, तो मैं जस्ट रखा आपके सामने. ये डेफिनेटली ये वाली चीज करी तो जा सकती है, लेकिन एक्चुअली मैंने जब इसकी मार्केट रिसर्च करी थी, तो कोजी गेम्स की और इस तरह के फार्मिंग सिमुलेशन गेम्स की जब मैंने मार्केट रिसर्च करी, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि आप अपना कैरेक्टर क्रिएशन प्रोसेस को आप जितना ज्यादा आप इस तरह का रख सकते हो कि वो सब चीजें कवर करता रहे, irrespective, specifically they mentioned irrespective of gender, religion and nationality and caste. मतलब ये चीजें उसमें इतनी ना दिखाई दे. उसके अलावा मतलब उसको देख के समझ नहीं आए कि वो कौन से रिलीजन का, कौन सी कंट्री का है, कहाँ काला है, गोरा है, क्या लंबा छोटा, किस तरह का, वो पता ना चले सबको, ताकि अच्छा लगे उसके साथ खेलते हुए. एनिमल मूवी देखी आपने? हाँ नहीं, थोड़ी सी देखी, गाने सुने हैं मैंने उसके. मतलब क्यों नहीं देखी, कारण कुछ था? मैंने नेटफ्लिक्स पे थोड़ी सी शुरू करी थी, पर वो इंटरेस्ट आ नहीं पा रहा था उसमें. एनिमल मूवी इतना हिट क्यों हुआ पता है? लोगों को जो लोगों की जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस है ना, उस पे जाके बार किया वो. तो ये थोड़ा रिस्की वेंचर तो था, मैं सपोर्ट नहीं करता ऐसा चीज को, पर ये तो था और इसी चीज के वजह से हिट हुआ. मूवी नहीं था, मूवी थोड़ा बहुत था, वो सीन को वो दिखाने की कोशिश किया था, इसीलिए 3.5 घंटे की मूवी बनी कि उनको सारे सीन दिखानी थी. तो वो चीज है. नहीं, कभी कभार हम लोगों को जो चीज मतलब बोलते हैं लोग करते हुए आए हैं, उस पे भी थोड़ा अगर आपके पास तरकीब है, उपाय है, यू कैन ऑलवेज ट्राई, यू कैन ऑलवेज चेंज विद इन मेयर अपडेट, अपडेट डाल के चेंज कर दो. ऐसा जरूरी थोड़ी है, मतलब ट्राई आउट तो कर ही सकते हो. हाँ बिल्कुल, अल्फाबीटा में, यस यस श्योर श्योर, अल्फाबीटा इसके वर्जन्स में ट्राई करा जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स वाली सेटिंग. तो आपने डेमो वगैरह दे दिया स्टीम में, और इसका कुछ एनालिटिक्स देखा है अभी तक क्या काम कर रही है? जी हाँ बिल्कुल, ये डेमो अभी हाल ही फिलहाल में स्टीम ने लास्ट मंथ फेस्टिवल लगाया था, फार्मिंग फेस्ट, जिसमें वो सारे फार्मिंग गेम्स को फ्रंट पेज पर लेके आते, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा. तो पता नहीं क्या सोचा स्टीम वालों ने, मेरे गेम को फ्रंट पेज पे रखा पूरे एक हफ्ते के लिए. तो उससे काफी काफी ज्यादा फायदा हुआ, अराउंड 1500 के करीब विशलिस्ट भी आई, 1500 विशलिस्ट उससे अकेले से. और उसके अलावा आईजीएन वालों की नजर पड़ी, तो वो आईजीएन पर भी इंटरव्यू आ गया उससे. और हाल उसकी वजह से नए नए प्लेयर्स भी मुझे मिले पूरी दुनिया भर से, काफी कनाडा से हो गए, यूरोप से हो गए, और चाइना से हो गए, छोटी छोटी कंट्रीज, ओमान, कतर, इन जगहों से भी प्लेयर्स आए. जी तो इससे काफी ज्यादा मदद मिली. तो डिस्कॉर्ड सर्वर जो है गेम का, उस पर काफी अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग आ गए, जिनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, तो उससे काफी मदद मिल रही है गेम को बेहतर बनाने. आपके मानो कि विश लिस्ट आपने कितना बताया, 1500 जी, और मैंने आपकी सर्च किया डिस्कॉर्ड सर्वर, जो जहाँ पे लाइक 30-50 टाइप ऑफ पीपल्स है, तो और भी लोग शायद जुड़ने चाहिए सर्वर पे. जी बिल्कुल, वो जुड़ते हैं, मतलब ज्वाइन करे भी नहीं, वैसे कन्वर्सेशन वगैरह करके चले जाते हैं मोस्टली. अच्छा, मैंने ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि फिर तो आपका कम्युनिटी बनेगी. अच्छा, कम्युनिटी बनाने के लिए आपने आपका एक अलग कोई स्टूडियो है, जिस स्टूडियो के माध्यम से इस गेम को प्रस्तुत किया? ये मैं यूट्यूब पर इसके डेवलॉग्स डाल रहा हूँ कम्युनिटी बनाने के लिए, तो उस पर अराउंड 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं यूट्यूब पर. तो जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, और क्या बनाऊ मैं कंटेंट के लिए. मैं कभी किसी को बोलता नहीं कुछ सब्सक्राइब करो भाई, जिसको करना है करो भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस खत्म, बात सोचना नहीं है. एनीवेज, तो प्लीज कंटिन्यू, कोई स्टूडियो है इस गेम के पीछे?
नहीं स्टूडियो मतलब मार्केटिंग के लिए आप पूछ रहे हैं? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि हमजा किरमानी के नाम से इस टीम में है, जो कि मैंने एक बार पहले से पूछा था आपसे, तो वो उसके पीछे नॉर्मली लोगों की कोई स्टूडियो होता है, क्या आपके नाम ही एक स्टूडियो है या तो फिर अलग स्टूडियो है? नहीं मेरा अपना स्टूडियो है मेटा रोर नाम से, जिसके अंडर में ही मैं सारे मोबाइल गेम्स और बाकी गेम्स रिलीज करा करता था। तो अब डेफिनेटली जो स्काई हार्वेस्ट होगा वो भी मेटा रोर के ही अंडर में रिलीज होगा जब भी होगा। तो वो तो दिखा है अभी आपके नाम पे वो जो स्टीम में जी जी उसका वो मैं कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। असल में जो स्टीम का अकाउंट बनाना था उस पे वो $100 वगैरह की फीस लेते हैं, तो वो तब कार्ड वगैरह पे डिटेल्स में मेरा ही नाम था। लोग यूजुअली अपने करंट अकाउंट जिस जो कंपनी का अकाउंट है उससे पे करते हैं, तो थोड़ा वो उनको फैक्टर मिल जाता है अपना पब्लिशिंग स्टूडियो नेम डालने का। तो खैर वो चेंज करा जा सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। मेटर और का कोई वेबसाइट वगैरह है? हाँ बिल्कुल, meterore.in करके है, उस पर आप अच्छा, जा सकते हैं। वो वहां पे वो फुली वर्किंग है राइट? यस यस यस। तो अभी बताओ कि आप ये गेम खुद ही पब्लिश कर रहे हो हिसाब से? नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पब्लिशर मिल जाए पीसी गेम को पब्लिश करने के लिए, तो वो उनकी मदद से जो मैं अभी करंटली सुपरसोनिक वगैरह और बाकी पब्लिशर्स के साथ हूँ, तो उन पब्लिशर्स के साथ मैं फिलहाल बाय बाय कर दूंगा और मेनली उसी पब्लिशर के साथ, क्योंकि अभी स्काई हार्वेस्ट पर मैं हफ्ते में महीने में मुश्किल से 3-4 दिन ही काम कर पा रहा हूँ। तो ये जो सारी प्रोग्रेस है ये मुझे बनाने में मुश्किल से 2-3 महीने लगते, लेकिन मुझे साल भर लग गया जहां तक मैं अभी पहुंचा हूँ। तो अगर इसी स्पीड पर रहा तो अगले 3-4 साल 5 साल लग जाएंगे इस गेम को बनाने में, लेकिन अगर पब्लिशर मिल जाता है तो वो थोड़ा फंड कर देते हैं, तो उससे उनकी फंडिंग के मदद से मैं गेम को कंटिन्यू कर सकता हूँ फुल टाइम, जिस वजह से गेम मेरा जल्दी बन जाएगा। तो टीम बिल्डिंग भी करोगे? देखता हूँ टीम को पैसे पैसे हाँ अकेले ही पूरा ही, मैं ज्यादा पूरा ही पैसा मतलब आप ले लोगे टीम में नहीं नहीं वो मैं इन्वेस्ट हैवीली आर्ट पे करूंगा, आर्ट साइड पर जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता आर्ट, उसी चीज पर मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो अभी क्या सीन है अभी, मतलब पब्लिशर आपको वैसे मिल नहीं रहा या तो फिर पब्लिशर है इसके साथ स्काई हार्वेस्ट में चाहता हूँ पीसी पर भी हो, प्लेस्टेशन पर भी हो, एक्सबॉक्स पर भी हो, स्विच पर भी हो, ये मेजर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर तो हो। तो मुझे अभी जो पब्लिशर मिल रहा है वो कह रहा है मैं बस पीसी पर करूंगा, या फिर जो दूसरा मिल रहा है वो कह रहा है मैं सिर्फ प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स में करूंगा। तो अभी मुझे 2 मिले हैं पब्लिशर, बट वो एक्सक्लूसिव है प्लेटफॉर्म्स पर, मैं चाह रहा हूं कोई ऐसा हो जो सब पर चारों पर। आर दे इंडियन? आर दे इंडियन? नहीं नहीं इंडिया में कोई ऐसा सीन, इंडिया में तो पब्लिशर मिलना बहुत प्रॉब्लम है। ना ना इंडिया में कोई, मैं तो अभी तक कोई देखा ही नहीं सुना ही नहीं मैंने कोई इंडियन पब्लिशर, कोई हो तो प्लीज मुझे बताइए मैं उनसे बात करूं। है तो मेरे को कैसे पता, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि इंडिया में क्या सीन है, कि इंडिया में वीसी का क्या सीन है? इंडिया में वेंचर कैपिटलिस्ट तो बहुत हैं, इन्वेस्टर्स बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर बंदे जो जिनके अंडर में बढ़िया बढ़िया गेम्स रिलीज हुए हो, पब्लिशर्स बड़े बड़े, पब्लिशर इज जस्ट अ वीसी फॉर गेमर्स गेम डेवलपर्स। तो पब्लिशर आपका सारा हेडेक ले लेता है, फंडिंग आपको दे देगा अच्छी खासी, आपके गेम को 1000 विशलिस्ट से 10 लाख विशलिस्ट तक ले जाएगा, और आपके गेम का रेवेन्यू अगर आप मान लो आपका गेम $5,000 कमा रहा है वो 100% आपका होगा अगर आप अपने आप रिलीज कर रहे हो, लेकिन अगर पब्लिशर के साथ कर रहे हो भले ही आपको 50% मिले लेकिन वो मिलेगा भी तो 1 मिलियन में से। हाँ, तो इसीलिए पब्लिशर के साथ जाना ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी ऑनलाइन प्रेजेंस है, जैसे एक बंदा है बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं गेम्स विद वैभव आई गेस ऐसा नाम है उनका, काफी सब्सक्राइबर्स है उनके, काफी जैसे निखिल मालंकर होगा इनके ऑलरेडी काफी ज्यादा फॉलोइंग है, तो इनको पब्लिशर के साथ जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपने ही फॉलोइंग के बेसिस पर क्राउड को बुला सकते हैं अपने गेम की तरफ, लेकिन जैसे मैं हो गया हार्डली 1000 सब्सक्राइबर है तो मुझे पब्लिशर की जरूरत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो फिर मार्केटिंग करते हैं, वो $1,00,000 झोंक देते हैं मार्केटिंग पर गेम के लिए। ऐसा पब्लिशर भी तो होना चाहिए जो $1,00,000 झोंकते, वैसे आपको जो मिल रहा है वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहता है। ये गेम जैसा कि मुझे लगा इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन मोबाइल आल्सो। यस यस डेफिनेटली एप्पल पर सकता है। यस एप्पल पर बहुत आराम से चलेगा, आईफोन वगैरह पर, एंड्रॉइड के लिए थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ जाए लेकिन आईफोन वगैरह पे बहुत अच्छा चलेगा। आईजीएन पे आप गए जी, वहां पे जो मानसवी डालवी है शायद उनसे मिले होंगे,
तो जी जी. क्या क्या कैसा रहा IGN का एक्सपीरियंस, क्योंकि फॉर अ सोलो डेवलपर लेट मी टेल यू IGN वगैरह एक बड़ी चीज होती है, बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं IGN IGN एंड IGN इंडिया. IGN इंडिया का मैं अभी ओपन नहीं कह रहा हूँ, IGN इंडिया का यूट्यूब में वो लोग काम नहीं कर रहा है. मैंने बात भी किया था कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो यहाँ पे, तो ऐसा कोई लोगों को हायर करो. तो बोला कि 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. मैंने कहा कि है ना मेरे पास 5 साल 6 साल का, नहीं यूट्यूब वाली नहीं. अच्छा प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन का. आई डोंट नो मैन, जो काम करना चाहता है काम करना जानता है उनको काम करने दो ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही का कम्युनिटी बिल्ड होगा. अब देख के नहीं लगता कि IGN का मेन चैनल पे इतना लोग, IGN का मेन चैनल पे अगर आप फीचर हो जाते तो अभी ये 1500 विशलिस्ट 15 लाख हो जाता. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली. तो इसमें ये आपने सही काफी सही पॉइंट बोला, IGN हो गया, GameStop हो गया और इस तरह के और भी जो भी हैं सारे, कोटाकू हो गए और भी पॉकेट गेमर हो गए, पॉकेट गेमर हो गए, ये इन सब के ऊपर आपका आर्टिकल पब्लिशर गारंटी लेता है फीचर करवाएगा. ओके और इन सब के ऊपर आपका गेम का ट्रेलर डलवाएगा, इन सब न्यूज आउटलेट्स आपके गेम के बारे में बातें करेंगे, ये सारी पब्लिशर हैंडल कर लेता है. तो इसीलिए पब्लिशर के साथ जाना बहुत जरूरी रहता है. ग्रेट, पर आई होप कि आपको बहुत ही जल्दी मिल जाए, और क्या ही कह सकता हूं. थैंक यू. पर आपने आपको लाइक कहां देखते हो अगले आने वाले 5 साल पे व्हेन इट कम्स टू गेम डेवलपमेंट, यही करोगे? यस बिल्कुल. लेकिन अगर मेरा स्टार्डियो वैली जैसा गेम रिलीज हो जाता है मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, क्योंकि द थिंग इज मतलब मैं बचपन से गेम खेलता आ रहा हूँ, और मैं अब ऐसा है कि मैं पिछले 10 साल में जब से गेम बना रहा हूँ मैं गेम खेल ही नहीं पाया. मैंने इस वक्त घोस्ट ऑफ सुशीमा है, मैं पीसी में देख के बता रहा हूँ आपको, घोस्ट ऑफ सुशीमा है मेरे पास, माई टाइम एट पोर्शिया है, एवर ड्रीम वैली है, और ये कौन सा फे फार्म, ये 4 गेम्स इंस्टॉल पड़े हैं पिछले पता नहीं कितने टाइम से, और मैं इनको खोला भी नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, और जबकि मेरा बहुत मन करता है गेम खेलो. लेकिन मैं बस वही है, अगर इस तरह से कोई सा गेम रिलीज होता है तो अगर फाइनेंशियल बैकअप आ जाता है तो मैं चाहूंगा कि मैं इस वाली चीज की तरफ भी आऊँ, गेम खेलूँ भी, खेलना क्योंकि काफी मिस करता हूँ. अभी के लिए क्या जॉब कर रहे हो अगर कर भी रहे हो? अभी तो मैं एज इंडिपेंडेंट स्टूडियो ही चला रहा हूँ अपना, पिछले 2018 से चला रहा हूँ, पिछले 6 साल से. और ये स्टूडियो पे और क्या काम होता है? बस यही गेम डेवलपमेंट ओनली. मतलब ये आपका गेम के पीछे जो खर्चा आ रहा है तो ये आप कहाँ से ला रहे हो? ये मैं जो अभी आपको बताया जैसे सुपर सोनिक वगैरह और बाकी पब्लिशर्स के साथ कर रहा हूँ, तो उनको मैं पर गेम उनको चाहिए होते हैं मोबाइल्स के, तो मैं उनको मंथली 3 से 4 गेम 5 गेम उनको सेंड करता हूँ मोबाइल के. हाँ 4-5 गेम मंथली बना लेते हो, नया कॉन्सेप्ट से लेके कस्टमर तक कैसे होते हैं? मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ. हो जाता है. अरे जैसे आपको अगर 10 साल हो जाए कोई काम करते करते फिर आपको इतना टाइम नहीं लगता फिर वो बनाने में. वो तो कंटेंट है, ये गेम है भाई बाकायदा, मतलब वो भी 4 गेम, मतलब एक एक हफ्ते में एक गेम बना रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी. तो 12 घंटे काम कर रहे हो दिन में? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 3-4-5 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम. तो आपको मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर बोल सकता हूँ, लाइक कंटेंट मतलब अगर गेम हो तो? जी बिल्कुल बिल्कुल. तो आप अपने लाइफ को कैसे लीड करते हो, मतलब आजकल के दिनों पे जहाँ पे इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, आप अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हो ये काम वाम के अलावा भी? जी हेल्थ का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं कुछ खास रखा जा रहा है. मैं सोच रहा हूँ रात के टाइम अभी जिम जाना स्टार्ट कर दूं, बट हेल्थ का तो कुछ खास हो नहीं पा रहा ध्यान. लेकिन जो बाकी चीजें हैं मैं कोशिश करता हूँ कि पहले सबसे पहले तो ना लिख लूं गेम जो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसका, अगर जितना क्लियर मुझे पता होगा क्या एंड गोल क्या है, फाइनल में प्लेयर के हाथ में क्या आने वाला है, वो जितना ज्यादा पहले क्लियर हो जाएगा उतना आसान हो जाता है फिर उसको पूरा बनाना. तो अभी ये डेमो खेल के आपको रिव्यूज वगैरह कुछ मिला है लोगों से कि ये चेंज करो वो चेंज करो? यस यस काफी मिले, जैसे कि कैरेक्टर के पास में जाने पे अगर मुझे सामने एनपीसी से बात करनी है तो एक स्क्रीन में राइट साइड पे नीचे बॉटम में लिखा हुआ आता है स्पीक, तो प्लेयर्स कह रहे हैं वो हमें ना दिखाई नहीं दे रहा जब तो वो कह रहे हैं कि उसके सर पे लिखा हुआ है यहाँ पे स्पीक,
तो वो वाली चीज मुझे सही करनी है। बाकी इन्वेंटरी सिस्टम है थोड़ा सा वो बगी है, उसको सही करना है, वो कर दिया वैसे मैंने सही, डेमो में नहीं है वो अभी। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। मैं एक बार गेम खेल लूंगा तो आपको बहुत सारे कुछ यहाँ पे दे दूंगा कि जो मुझे लगेगा वो मैं नॉर्मली हर गेम के साथ करता हूँ। जो गेम मुझे खराब लगता है मैं बोल भी देता हूँ ना ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा सा वो आप देख लेना। द थिंग इज कि देखो एक टॉपिक के ऊपर हमेशा बात मैं उठाता हूँ हर पॉडकास्ट पे, आप देखे हुए हो, वो है वीडियो गेम पायरेसी। दिल खोल के बताओ इसको लेके आप क्या सोचते हो, क्योंकि 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 आप इस वीडियो को स्टार्ट किए हो एक ऐसी चीज से जहां पे आपने बात किया था कि भाई मैंने PS2 लिया क्योंकि वहां पे गेम्स मिलते थे। तो आपने PS2 लिया जहां पे गेम मिलते थे, बाकायदा PS3 ले सकते थे क्योंकि PS3 में पायरेटेड वर्जन नहीं मिलता था। तो पायरेसी को आप सपोर्ट करते हुए इस गेम जर्नी को शुरू किए हो, तो मैं आपके जो बात सुनना चाहता हूँ, अभी जाके आपकी गेम को अगर कोई पायरेट करके खेल ले तो कैसा लगेगा? क्या कह सकते हैं, अब अगर वो गेम खेल रहा है, अगर एंजॉय कर रहा है तो अब चलो कर लो, क्या कर रहे हैं? ये तो बोलने की बात होती है, बुरा तो लगेगा। हाँ बुरा बिल्कुल डेफिनेटली बुरा तो लगेगा, लेकिन उसमें उससे ज्यादा बुरा तब लगता है जब वो गेम पूरा मतलब खेल लें, फ्री में खेल लें, और उसके बाद वो उसकी बुराइयां कर रहे हैं कि इसमें ये नहीं है वो नहीं। तो वो थोड़ा ज्यादा लगता है, बिकॉज मैं यूनिटी के एसेट्स भी बनाता था जो मैं सेल करता था इससे पहले, तो वो $15 से लेके $75 तक के एसेट्स में बनाता था ऑनलाइन जो सेल होते थे। तो मैंने देखा वो, बल्कि मैंने बनाने बंद इसीलिए करे क्योंकि वो पायरेटेड हो रहे थे बिल्कुल, वो सबको ऑनलाइन फ्री में मिल रहे थे, और जो उसमें मैं लोगों के कहने पर सजेशंस पर उसमें फीचर्स ऐड करता था वो मैंने बंद कर दिया ऐड करने, क्योंकि जो सारे चुरा चुरा के उनको यूज कर रहे हैं वही मुझे फीचर सजेशन दिए जा रहे थे। तो फिर बस इसीलिए मैंने पायरेसी की वजह से वो वाला काम अपना बंद कर दिया। अब मैं प्योर सिर्फ कोर गेम डेवलपमेंट ही करता हूं। अच्छा स्टीम में क्या सिचुएशन है, कितना परसेंटेज स्टीम वाले लेते हैं नॉर्मली? 30% लेते हैं। 30% लेते हैं, मतलब एक गेम अगर आप एक एग्जांपल लेके बताओ, कोई गेम अगर 1000 में बिक रहा हो तो आपको इन हैंड कितना मिल सकता है? ₹700 उसके मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ना, और जितने भी सारे डिस्काउंट वगैरह आता है स्टीम सेल्स के दौरान, तो वो डिस्काउंट क्या आप डिसाइड करते हो इस गेम में डिस्काउंट होगा, या तो फिर स्टीम वाले पहले ही बता देते हैं आपको कि ये 50% 80% 70% सेल आ रही है आप अगर चाहो, और ये इस जॉनरा पर्टिकुलर जॉनरा से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग, हर उड़ने वाला गेम, चाहे आप प्लेन में उड़ रहे हो, चाहे आपकी कार उड़ रही हो, चाहे कैसे भी उड़ रहे हो आप, जेट पैक से उड़ रहे हो, तो आपका गेम इसमें इंक्लूडेड हो सकता है। अगर आप चाहते हो इंक्लूड करना बता दो, तो उनको हम बता देते हैं हाँ भाई कर लो। तो वो कहते हैं इस पर सारे गेम 75% 75% ऑफ जाएंगे, आपको सही है ओके तो ओके कर दो, तो आपका फिर वो डिस्काउंट सेट कर देते हैं स्टीम वाले। तो लेकिन 30% उसमें से भी लेते हैं वो जो भी। हाँ तो वो तो लेगा ही, तो आपका तो कम मतलब रेवेन्यू ईबीटा वगैरह तो कम हो जाएगा फिर वो। कहने को वैसे वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि 5000 का 100% या फिर 1 मिलियन का 50% आपको क्या ज्यादा सही लग रहा है, तो वही वो फिर सेल लगती है, ऑल्दो डिस्काउंट पे हो गया लेकिन उस टाइम बिकता इतना ज्यादा है कि आपके पिछले 6 महीने का कवर हो जाता है उस। ये वाली बात मुझे निखिल मलंकर ने भी कहा था अपने वो पॉडकास्ट में, देख लोगे कि भाई अगर मेरे को 10 करोड़ का वो मिल रहा है, डील मिल रहा है, उस पे से अगर मेरा 3% भी हो तो बहुत ज्यादा ही है, तो वो चीज है। मैं जानना चाहूंगा कि डेमो आपने दे दिया यहाँ पे, तो डेमो देना, डेमो मतलब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक गेम का डेमो कितना महत्व रखता है कोई भी पर्टिकुलर डेवलपर स्टूडियो के लिए उस गेम को बिकवाने में? जी इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। एक तो यह पब्लिशर्स के साथ भी काफी अच्छा रहता है, उसके बाद शुरुआत में ही प्लेयर्स आ जाते हैं तो उसके साथ प्लेयर के साथ रिलेशनशिप भी काफी आपका स्ट्रांग हो जाता है, कम्युनिटी बिल्डिंग आपकी अच्छी हो जाती है। और डेमो देख के जो क्रिटिसिज्म आता है, मतलब कि उसमें ये गलत है, ऐसे उछलना सही नहीं लग रहा, चलने का अच्छा तरीका उसका सही नहीं है, तो ये सब चीजें छोटे छोटे फीचर्स जो हैं जो आपको चेंजेस करने चाहिए, जो आप अगर 15 घंटे एक चीज देखते हो आप नहीं पकड़ पाते, तो एक नई जब नजर से उसको देखा जाता है तो वो बताते हैं कि इसमें ये कमी है, तो वो चीज आपको फ्री में मिल जाती है, प्ले टेस्टिंग कह सकते हैं इसको आप। हाँ। तो आपकी प्ले टेस्टिंग फ्री में हो जाती है ये वाली डेमो डालने से। आपने आपका गेम को बाहर जब मार्केट करने की बारी आएगी, ऑब्वियसली रिलीज या तो फिर उससे 1.5 महीने पहले रिलीज तो आपकी हो ही जाएगी, आपको सिर्फ इंतजार है
गुड पब्लिशर का जो सारे प्लेटफॉर्म पे देखे। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कितने कितना मार्केटिंग आप करना चाहोगे, कोई सोच विचार रखे हो किस टाइप की मार्केटिंग करना चाहोगे? जी अगर आपके जैसे कनेक्शन होते तो बिल्कुल लेजी असैसिन भाई वगैरह से मैं बोलता, वो हाँ। उस पे वीडियो बनाते हैं जैसे मुंबई गली के बनाते रहते हैं। बाकी मैंने मार्केटिंग के लिए तो यही सोचा था कि यूट्यूबर्स को अप्रोच करूंगा, उसके अलावा थोड़ा बहुत सोचा था कि फेसबुक पर या ट्विटर पर कैंपेन चलाऊंगा। लेकिन बट द थिंग इज अगर अगर पब्लिशर मिल जाता है तो काफी जिंदगी आसान हो जाएगी, मार्केटिंग सब कुछ वो हैंडल कर लेते। हाँ वो तो कर ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कमला का जो डेवलपर है उनसे आपकी बातचीत होती है? हाँ थोड़ी थोड़ी सी बात हुई थी अभी लास्ट वीक हुई थी शायद। तो ये अब मैं जानना चाहूंगा कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के साथ आप तो पिछले 8-10 साल से, तो 10 साल नहीं एटलीस्ट 5 साल से तो जुड़े हुए हो, 10 साल पहले तो शायद कम्युनिटी भी नहीं था, मतलब इस हिसाब से लोग ऑनलाइन भी नहीं रहते थे। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या 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 स्टेटमेंट है उनकी, लाइक क्या आप उनसे मतलब उनके चीजों को जो होता है आईजीडीसी पे, मैं कभी गया नहीं मैं पूछ रहा हूँ, उनके थॉट प्रोसेस से ये आप इत्तेफाक रखते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस ना मतलब ये चीज नहीं कहनी चाहिए कि ना हम इंडिया में हम जीटीए बना सकते हैं, हम मैक्स पेन बना सकते हैं, हॉगवर्ट्स लेगेसी, मतलब ये चीज से थोड़ा अपने आप को आईना दिखाने की जरूरत है। मतलब उस लेवल पे हम उस लेवल के गेम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये सारे आप गेम्स की कास्ट पढ़ोगे, मतलब जो एंड में आते हैं उनकी जो क्रेडिट, सॉरी कास्ट कह रहा हूँ, क्रेडिट्स पढ़ेंगे तो उसमें 50-60% इंडियंस के नाम आते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, जो करंटली एक फ्रेंड है वो GTA 6 पे भी काम कर रहा है, उसके मॉडल्स पर, 3D मॉडल्स पर, मतलब इंडियंस की कैपेबिलिटी है इस तरह के गेम्स बनाने की, बिल्कुल है। और बल्कि इंडियंस के बिना बन भी नहीं सकते क्योंकि इतने सस्ते में काम कर देते हैं इंडियंस। चीप लेबर वाला सिस्टम मैं पूछना चाहूंगा कि इंडिया का चीप लेबर यूएसए और यूके वाले सिस्टम बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है ये चीज को? बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जो बैटमैन आर्कम नाइट आया था उसकी जो कार थी मेन, उसका ऑलमोस्ट 60% गेम प्ले का हिस्सा था वो कार, वो पूरी हमारे नोएडा में बनी है, मैं उसी कंपनी में था तो अच्छा। मैंने 2 महीने जॉब करी थी जी, तो वो वही मेरे सामने ही बनी थी वो वाली कार, वाली कार। एक अभी मॉडल कॉम्बैट आया है 11 आई गेस 10 या 11 जो भी आया अभी, तो उसके जो मॉडल्स हैं वो उसी कंपनी में बने थे, उस कंपनी में इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट थे, लेकिन वही काम कितने पे कर रहे हो, 40,000-45,000 रुपए महीने पे काम कर रहा है, और वो जो काम दे रहा है उसकी वैल्यू लाखों में थी, 10-15 लाख रुपए की वैल्यू थी उस काम की। सही है। 20-30 टाइम्स उसकी वैल्यू थी जो भी वो काम कर रहे थे। तो अभी आपको कभी ऑफर आया है क्या, या तो फिर खुद से इच्छा हुई है कि भाई ये सब छोड़ छाड़ के बाहर चले जाते हैं, बाहर कुछ करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बाहर महंगाई बहुत है एक तो, हाँ। तो और बाकी हमारे इंडिया में एक तो आप धनिया फ्री में ले सकते हो, बाहर कहाँ ले पाओगे ये सब सब्जी के साथ जाके। तो इंडिया में हमारे चीपनेस जो वो है वो मुझे बहुत पसंद है, इंडिया में आपका काम आसानी से हो जाता है, तो मुझे इंडिया में ही रहना पसंद है बिल्कुल। जस्ट आप मतलब आपको मतलब अच्छा लगा ये सुन के, बहुत सारे लोग चले जाते हैं ये सुन के अच्छा लगा कि अगर कुछ नहीं भी हो पाए, मान लीजिए ज्यादा ज्यादा कुछ खराब ही हो जाए, नहीं हो रहा है कुछ जो भी आप थॉट प्रोसेस है आपकी, फिर भी आप जीरो से ट्राई करने वाले बंदे हो, या तो फिर आप यू नो जस्ट चलो ठीक है अभी दूसरा कुछ करते हैं कहीं पे जाके? एक्चुअली द थिंग इज कि जॉब तो आसानी से मिल जाएगी, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर जैसे आगे जाके नहीं पता। जी बिल्कुल। जो बंदा एक महीने में 4-4 गेम बनाता है, क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जी जॉब का तो खैर कोई इश्यू नहीं है, बट हाँ ये अगर अपना काम एक बार आप जैसे शुरू कर दो तो फिर वो जो फ्रीडम आ जाती है वो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है जॉब के साथ कोऑर्डिनेट करने में। सही है। और मैं पूछना चाहूंगा कि डिटेक्टिव डॉटसन, आपने इस गेम के बारे में सुना है? इस गेम के डेवलपर के साथ आपकी बातचीत होती है? नहीं इनसे बातचीत तो कभी नहीं, इनका गेम काफी बड़ा फैन हूं मैं उस गेम का, उसका जो उनका नरेशन आर्ट स्टाइल चल रहा है, नरेटिव स्टाइल चल रहा है, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर मैंने डेमो खेला नहीं, अगर शायद डेमो है उनका आई गेस अवेलेबल, डेमो मैंने खेला नहीं अभी डेमो, बट मैंने फिश बॉल का, हाँ फिश बॉल प्रतीक सक्सेना मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में, पर आई वुड सजेस्ट कि शालिन जी से मिलिए, कनेक्ट कीजिए, आई थिंक ही इज द राइट पर्सन फॉर मेनी थिंग्स, पर मैंने ही इज सो गुड एंड ग्रेशियस मुझे बात करके लगा, और इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यू कैन गो अहेड एंड टॉक टू हिम।
बिल्कुल प्रवीण मुझे जी, ये आपके साथ से आपकी बात बातचीत होती करके है, लगता जी। वैभव से आपकी बातचीत होती है, वैभव जी से किसे? वैभव छवन जो युक्ति? अंडरडॉग्स वाले? नहीं, नहीं उनसे मतलब कनेक्टेड है पर बात कभी हुई नहीं उनसे, अरे आप ऐसा असली लोगों सौभाग्य से ही नहीं बातचीत नहीं रहा करते, आप असली लोगों से बात, आप ऐसा क्या है कि आप इंट्रोवर्ट हो, ये सही है? नहीं, बस वो कनेक्शन रहता है, टाइम नहीं मिल पाता ऐसे, मतलब बातचीत करता रहो उनसे किसी से। ऐसा तो नहीं है कि एक डेवलपर दूसरा डेवलपर को वो नहीं सकता कि भाई नहीं ऐसा तो नहीं है ना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है तो नहीं है, बेहतर, ऐसा नहीं 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 होगा इंडिया पे, आई गेस बट तो सबको मिला के काम करना नहीं, चाहिए। बट मैं कमेंट कमेंट वगैरह करते रहता हूँ उनकी तारीफों के, मैं कमेंट हर 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 पोस्ट में कमेंट करता हूँ उनके। वैभव भाई हो गए, या फिर ये निखिल, इनकी मुंबई गलीज हो गई, या ये हमारे शायद मसाला गेम्स है उनका, उनका नाम जो अभी जो गेम देखो बना रहे थे मैं एक सच जी। बात कहूँ, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया पे हूँ, कमेंट करोगे तो जिंदगी भर फैन बन के रह जाओगे, हाँ सही छोटी बात मुंह बड़ी बात, जी, पर बिल्कुल ये थोड़ा सा रियलिटी चेक मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक टाइम पे एक एक लोगों को कमेंट करता था जिसके साथ आज मैं बैठा हूँ, जी मैं कमेंट बिल्कुल करना छोड़ दिया, मैं उनके वीडियो भी नहीं देखता उस हिसाब से, बट द थिंग अच्छा इसकी मतलब ठीक है, कुछ मतलब चलता है ये सब चीज, ये वाली काटनी पड़ेगी शायद, एनीवेज तो वैसे मैं अनकट ही रखता हूँ, खैर रख दूंगा वैसे भी, क्या इशू होता है, बट द थिंग इज या कमेंट ज्यादा करने से हम लोग फैन बन जाते हैं, और फैन बनने के बाद वो सामने वाले की जो नजरिया होता है कि भाई ये तो कमेंट करता है मेरे को, यू नो जो स्टैचर होता है वो थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इस हिसाब से हाँ ये मेरे हो को लगता सकता है आप मेल करो, कनेक्ट करो लोगों से, क्योंकि है। क्या पता कहीं से भी क्या कुछ निकल जाए, अभी आपके सही बात, जैसे एक और बंदा है जिसका नाम जिसका गेम का नाम है ऑकल्ट चेम्बर्स, उनको भी शायद पब्लिशर्स की जरूरत है, वो भी काफी बढ़िया गेम है इंडियन मिथोलॉजी के ऊपर, मिथोलॉजी नहीं अगर मैं कहूँ कि क्या बोलते हैं उसको, अघोरी, अघोरी बाबा, अच्छा अघोरी, अच्छा हाँ तो अच्छा ये नया कॉन्सेप्ट है, देखा, जो थर्ड पर्सन गेम है उसका ये बाबा एक ही का। हफ्ते पहले मैंने उनके साथ किया था पॉडकास्ट, एक ही हफ्ते अच्छा पहले जो अच्छा पॉडकास्ट आया था, खैर अच्छा तो अच्छा वो चीज अच्छा है, तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा है, उनको भी पब्लिशर की जरूरत है, तो वही चीज है कि देखो अगर कहीं से मिल जाए, एपिक गेम्स, एपिक गेम्स के साथ आपने कभी बातचीत की इस बारे में पब्लिशिंग के बारे में? वो एपिक वाले आई गेस अनरियल वालों को थोड़ा प्रेफर करते हैं, यूनिटी वालों से उनका थोड़ा वैसा रहता मेरे लिंक्डइन में है एक एक जी। एक 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 कनेक्शन है, मैं आपको दे दूंगा, मैं नहीं जानता कितना हेल्प होगा, देखो मैं मेरे को घंटा पता है, मैं ऐसे लोगों को बिठा के पूछता हूँ, बात करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, पर हाँ अगर कनेक्शन से कनेक्शन बने तो इस पे फायदा ही है आपका, तो वही बिल्कुल चीज है, और डेली बिल्कुल वेली आएंगे तो टूर भी करा देना श्योर कुतुब मीनार मैंने कभी नहीं देखा, मतलब मेट्रो से श्योर देखा था पर नीचे नहीं उतरा था, हाँ मैं गया बिल्कुल था बिल्कुल एमिटी में एमबीए कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, तो वहां पे मेरे से अच्छा पूछा गया कि भाई पिताजी क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं महीने का, मैंने कहा क्या है पैंट मेरे को नहीं करना है, अच्छा जी, हाँ अच्छा एमिटी वालों सीरियसली, ने हाँ ऐसे ऐसे कौन सवाल पूछता है कोई बच्चे से, 2016 की बात है, मैं तो बच्चा ही था तब, 20-22 बिल्कुल से 21 बिल्कुल साल का था, मेरे से ऐसा बिल्कुल पूछ रहा है, तो मैं देखो नॉर्मली फाइल वाइल लेके लोग जाता है ना इंटरव्यू देने, अब इंटरव्यू का हाँ सवाल पूछो ना, एमबीए का रिलेटेड सवाल पूछो, कोई सही यू बात नो बिजनेस बिजनेस का, ये मार्केटिंग सही वार्केटिंग बात का, है ये आप कह रहे हो कि मतलब वो लोग मेरे को कह रहा है कि यहाँ पे रहने के लिए 10 लाख रुपए लगेगा तुमको टोटल, तो ये तुम कहाँ से इंतजाम करोगे, तो तुमको मैं भिखारी दिखता हूँ ओके क्या, थिंग इज लाइक दैट, तो वो चीज है, तो आपको मैं पूछना चाहूंगा कि जिंदगी में आप ये गेम में छोड़ो, थोड़ा सा लाइफ की बात करते हैं, ठीक है ये जी पॉडकास्ट में हम लोग लाइफ की भी बात करते हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइफ से ही आदमी बनता है, राइट, सही बात है सही तो बात गुस्सा गुस्सा बहुत आता है या तो फिर इमोशनल हो, कैसे कैसे हो आप निजी है। मैं जिंदगी बिल्कुल में, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं क्या आता बात कर रहे हो, गुस्सा, क्या बात कर रहे हो, नहीं झगड़ा बिल्कुल भी वगड़ा नहीं नहीं आता, होता, मुक्केबाजी नहीं होती नहीं किसी नहीं से नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बचपन पे भी बिल्कुल नहीं, भी नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। दोस्त यार कितने हैं, दोस्त मेरे हैं काफी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सबके सब मोस्टली बाहर निकल गए, एक ही बचा है मेरे घर के पास रहता है बस, बाकी सारे कोई बैंगलोर, कोई कनाडा, कोई वो भी निकल कहीं जाएगा और बहुत जल्दी, वो भी निकल जाएगा, मेरा एक दोस्त था मैं सोचता था कि लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा, नहीं वो नहीं, वो भी निकल गया, इससे मतलब ब्रेकअप से भी वही घटिया फीलिंग होता है, ये वही दोस्त जब वही निकल अब जाते हैं, समझ नहीं आ रहा था।
तो एंजॉय कैसे करते हो, अपने टाइम को एंजॉय कैसे करते हो? काम वाम तो लगा रहता है, फिर भी अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर एंजॉय करते हो तो व्हाट इज द वे आउट, क्या करते हो? बाकी फैमिली के साथ चले जाते हैं, थोड़ा आउटिंग पे चले गए, आसपास काफी हैं चीजें, इंडिया गेट हो गया, वहां पर चले जाते, किसी रेस्टोरेंट में चले जाते, या किसी मूवी में चले जाते, मूवी बहुत जाता हूं मैं सिनेमा देखने, मूवी थिएटर्स में, तो यही ऐसे ही करते हैं एंजॉय तो फिलहाल। बाकी गेम्स गेम भी खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, तो गेम तो होगा, गेम की बात ही नहीं करेंगे अब, थिंग इज कि घूमना पसंद करते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम मिलता तो जरूर। आप आपको तो लगता ही होगा कि जितना घूमोगे आप, जितने लोगों से मिलोगे, गेम में वो उस चीज का आप आंकलन कर सकते हो कहीं ना कहीं, मतलब कोई ना कोई तरीके से डिजाइन में, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज है कि कुछ लाइफ पे ऐसा हुआ, कुछ क्रेजी चीज जो आपने की है और इस बात को अभी भी करते हो कि नहीं मैंने वो चीज कर दिया था, अगर वो डिसीजन, कोई डिसीजन हो सकता है कि अगर वो नहीं लिया होता, थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया होता, तो आज शायद मेरी लाइफ एक जगह पे नहीं होती। एक है ऐसा, जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे दूसरा महीना ही हुआ था जॉब करते हुए, मतलब पहली जॉब थी मेरी, उसका दूसरा ही महीना था, तो उन्हीं दिनों मैंने जो आपको शुरू में बताया एसेट्स वगैरह बनाता था मैं यूनिटी के लिए, तो वो मेरा एसेट थोड़ा सा वायरल हो गया, तो उसका जी, तो वो $15 का एसेट था, वो वायरल हुआ, वो काफी ज्यादा बिकने लगा, 100-200 उसके बिक रहे थे पर डे, तो एकदम से तो मुझे बस आया कि अब जॉब नहीं करूंगा मैं, छोड़, मैंने तुरंत छोड़ दी वो जॉब, तो वो इम्पल्सिव डिसीजन था काफी ज्यादा। तो मैं जब घर वापस आ रहा, नोएडा में थी वो जॉब, घर वापस आ रहा, मेट्रो में बैठ के मैं सोच रहा यार सही तो कराया नहीं। कॉलेज के फौरन बाद एक तो उन्होंने बेचारों ने मुझे रख भी लिया था, ज्यादा सवाल भी नहीं करे थे, सैलरी भी टाइम पे देते थे, सही था सब, 20,000 रुपए महीना थी तब से सैलरी, 2017 की बात है। तो अब मैंने कहा यार पता नहीं अब घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, तो खैर घर वाले चलते हैं, उन्होंने भी देखा कि हाँ चलो इसका दूसरा सेकेंडरी सोर्स जो है इनकम का वो काफी सही है कंपेयर टू जॉब, और इसमें थोड़ा आराम भी है कि मतलब चाहे घर से काम कर लो या ऑफिस लेके अपना थोड़ा सा अपने मनमर्जी से काम किया जा सकता है, रिस्क है लेकिन ये चीज तो है, लॉजिकल चीज है। बिल्कुल, तो खैर ये वाला रिस्क था जो मैंने सबसे पहले लिया था, जो मैं अभी भी सोचता हूँ यार ले तो वैसे इम्पल्सिव डिसीजन था पर वो सही रहा। कोई ऐसा चीज है जो आपको कभी भी बोल दिया जाए, कभी भी मतलब नींद से उठा के भी तो आप कर लोगे, ऐसा कुछ चीज है जो इतना पसंद करते हो? क्या चीज है? जी गेम खेलना। ये भगवान ये मत बोलना, कुछ और बोलो। गेम तो पार कर, अरे गेमर को तो वही बोलना आता है कि भाई गेम खेलना, कुछ और कुछ है क्या? नेहरू प्लेस चलना, नेहरू प्लेस। अच्छा आपको नेहरू प्लेस से याद आया, बहुत सारे सेकेंड हैंड मार्केट में वहां पे चीजें मिलती है, आई थिंक मैंने देखा तो है, बड़े सारे वीडियोस वगैरह लोग देते हैं, तो नेहरू प्लेस। अच्छा ये आपके लाइफ पे कभी स्कैम हुआ है कुछ भी चीज को लेकर? स्कैम इन द सेंस कि हाँ मैंने एक बार, सबसे पहले मैंने जो आईफोन लिया था, अब तो खैर नया लिया हुआ है, तो जो सबसे पहले लिया था ये मत बोलो अभी 15 नहीं 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 15 नहीं है यार भाई, ये है 13 प्रो है। चलो जिसको भी पूछता हूँ उसके पास 15 है, मैंने कहा कि भाई मेरे को छोड़ के सब बड़े आदमी है क्या, मैं अकेला गरीब बैठा हूँ यहाँ पे। अरे सारे सेम है, एक कोई सा भी 12 प्रो 11 13 प्रो भी ले लो, सारे सेम है। मैं अगर मेरे पास 5S हुआ करता था तो मैं बहुत ही जिद करके खरीदा था 5S, तो 5S का जब वो आया ना, जो 10 आया, तो मैं उसका वो रिलैप्स हो गया, मतलब खत्म हो गया फिर वो, तो तब तक मैंने देखा था 5S पूरा 10 की तरह ही काम करता था भाई। हाँ ठीक है कैमरे का परफॉर्मेंस नहीं है, पर पूरा ऐप पूरा, मतलब आईफोन का ये चीज सही है कि अपडेट आता है तो हर फोन के लिए ऑप्टिमाइज्ड अपडेट आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने जो XR लिया था आईफोन का, वो थोड़ा सा बेचारा उसका उम्र हुई भी थी, बट वो उस बंदे ने बताया नहीं मुझे, तो मैंने लिया वो, जब मैं घर लेके आया विद इन अ मंथ उसका कैमरा चलना, फेस आईडी चलनी उसकी बंद हो गई, तो वो जब मैंने अपने एक है रिपेयर शॉप तो उसको दिखाया, तो उसने कहा भैया इसका तो ये सब खराब और ये खराब वो खराब है, मैं यार ये तो गड़बड़ तो ये वाला स्कैम होता है जी। तो अभी आपके पास गेम खेलने के लिए क्या क्या हार्डवेयर है? बस लैपटॉप ही है, गेमिंग लैपटॉप फिलहाल तो नहीं, आप और एक PS2 ले सकते जी, PS2 तो वो तो मतलब जी वो अभी तो वो है ना, मतलब उसको दीवार पे चुना के रखो कहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ वो ऐसा ही है, वो अभी भी खेलते हो क्या निकाल के? नहीं अब तो पता नहीं काफी टाइम हो गया उसको, अब तो कहाँ पे डालोगे उसका, तो HDMI भी नहीं है शायद, नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है,
नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो है PS3 से आई थी जी। तो घर पे और कौन कौन है? घर पे मदर है, फादर है, और एक एल्डर ब्रदर है, वो लेकिन दूसरी जगह उनका घर है, वो मैरिड है तो वो वहीं रहते, दूसरा घर है। शीर खुरमा बने तो थोड़ा भेज देना, मैं आपका एड्रेस दे दूंगा। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मुस्लिम फ्रेंड मेरा एक हुआ करता था, वो मेरे को हर बार शीर खुरमा खिलाता, कितना महीन तरीके से बनता है ना वो चीज, मेरे को मतलब लाले पड़ते हैं कि भाई वो एक बार कोई खिला दे। बढ़िया। तो आप कहाँ से? आप कहाँ से हो? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता? या नाइस। नहीं नाइस मतलब इट्स नॉट ए वेरी नाइस प्लेस दो, पर यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल कंडीशन भी, यू नो क्या ही बात करूँ अभी यहाँ पे, तो आप समझ ही रहे हो। दिल्ली का अच्छा है वैसे, एक विंड को छोड़ के, मतलब आवावा को छोड़ के, बाकी तो सब कुछ सही है। कनेक्टिविटी मेरे को बहुत सही लगता है दिल्ली पे। मेट्रो यहाँ पे बना 88 पे, ठीक है, या 87 पे, मतलब एशिया का शायद पहला मेट्रो यहीं पे था, आई डोंट नो, पर भारत का तो था ही था। दिल्ली पे बाद में बना, दिल्ली पे कब बना मेट्रो? 2001 या 2 की बात है, तो 3-4 की बात है, मतलब 20-22 साल ही हुआ है। 20 साल में आप लोग का मतलब हर जगह को कनेक्ट करते हो, 2-3 स्टेट को कनेक्ट कर लेते हो मेट्रो से। बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लोग सिर्फ नीचे चलाते हैं रास्ते के नीचे, अच्छा, और कुछ नहीं है। तो वो चीज अच्छा, जी दिल्ली के मेट्रो वो सही कह रहे हो आप, दिल्ली के मेट्रो मुझे देख के यकीन नहीं आता है, इंडिया में हमारे मेट्रो ऐसी ऐसी दिल्ली के मेट्रो जैसी चीज आई हुई है, इतनी बढ़िया, हर 2-2 मिनट में ट्रेन आ रही है और इतनी साफ सुथरी। सबसे अच्छा लगता है साफ, बहुत रखते हैं साफ सुथरा, मुझे बहुत पसंद आते हैं उनकी सफाई। मैं जब पहली बार गया था तो मैं बहुत चक्के हो गया था कि कौन सा, क्योंकि बहुत सारे जंक्शन है, मंडी वगैरह जंक्शन है शायद, तो यहाँ पे ना मेरे को एक बंदी कही कि भाई पैर की मार्क देखो और उस हिसाब से जाओ। मैंने कहा भाई जो बहुत सही चीज है भाई, पैर की मार्क देखो चले जाओ, किसे पूछने की जरूरत नहीं है, सही चीज है। कुछ अपने गेम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट को लेकर लोगों से कुछ बताना चाहते हो बिफोर वी रैप थिंग्स अप? श्योर। तो स्काई हार्वेस्ट के बारे में मैं यही कहूंगा कि ये ओपन वर्ल्ड गेम है, फार्मिंग गेम है, कोजी गेम है, तो इसको आप ऐसा नहीं है कि अगर आप ये खेल रहे हो आपके घर वाले आ जाएं तो आपको चेंज करना पड़े, कुछ ऐसा कभी नहीं होगा। गेम बहुत अच्छा है, गेम में आप कुछ भी फैमिली के साथ खेल सकते हो, अपने भाई बहनों के साथ खेल सकते हो, आपको आपको गेम में एंजॉयमेंट ही मिलेगा, आई होप सो। बाकी अगर आप चाहें तो इसका डेमो अभी आप खेल सकते हैं, स्टीम पर फ्री में अवेलेबल है, और अगर आप, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आपके डिस्कॉर्ड का लिंक डाल दूंगा, आपके स्टीम वाला लिंक डाल दूंगा, और आपके कोई भी अगर लिंक है प्लीज डू प्रोवाइड मी, मैं डाल दूंगा। तो हमजा किरमानी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, कैसा लगा आपको वैसे ये कन्वर्सेशन? बहुत ही लो की टाइप ऑफ था, क्योंकि क्या ही बताऊं, मैं गेम तो खेला नहीं हूं, मेरा लाना था, मेरे को खेलनी चाहिए थी बिफोर डूइंग दैट, पर वही आपको मैं डेमो शेयर कर दूंगा, डेमो का वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, 10-12 मिनट का है वो, अगर आप वो देख भी लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा गेम का काफी, चाहे आप खेलोगे, खेलने का वैसे टाइम नहीं होता। मैं इंस्टॉल रखा हुआ है, मैं खेलूंगा, खेल के आपको बताना भी तो है, ऐसे देख के नहीं होगा, बताना भी तो है कि क्या क्या कमी लगा, क्योंकि मैं कमी ढूंढता रहता हूँ, मेरे तो थोड़ा सा कीड़ा है अंदर, ढूंढता रहता हूँ, खुद तो बना नहीं सका, लोगों के अंदर ढूंढता हूँ, अच्छा लगता है। एनीवेज, तो शुक्रिया शुक्रिया हमजा किरमानी जी जुड़ने के लिए, और आपका गेम जब रिलीज होगा हम लोग जरूर जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, गेम टाउट गॉसिप को देखने के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय, हैप्पी गेमिंग, टेक केयर ब्रदर, टेक केयर।